بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وكما قال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا करिए जिक्र मोहम्मद दा महफिल नु शुरू राजंदाए जिदो करिए जिक्र मोहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिदो करिए जिक्र मोहम्मद दा महफिल नु शुरू राजंदा आए जिस दिल विच प्यारे है आका दा उस दिल विच नूर राजंदा आए और जिदो करिए जिक्र सोहणे दा महफिल नु शुरू राजंदा आए मैं तूर दी अजमत मनदा हां परेशान मदीने दी की दसां ओ सुभान अल्लाह मैं दूर दी अजमत मनदा हां परेशान मदीने दी की दसां जिदो टुरिए शहर मदीने नू हर कदम ते तू राजांदा आए ओ जिदो करिए जिक्र मोहम्मद दा महफिल नु शुरू राजांदा आए जिन्हां दा सोने दा जिक्र सुन के दिल नु सुरूर आए ऐ लफ्ज़ सुरूर मेरे नाल पढ़ना है ओ जिदो करिए जिक्र मोहम्मद दा महफिल नु महफिल नु महफिल नु शुरू राजंदा आए ओ जिदो करिए जिक्र मोहम्मद दा महफिल नु शुरू राजंदा आए ते ओदी उंगली दे नाले इशारे दे चन टोटे हो के जुड़दा आए ओदी उंगली दे नाले इशारे दे चन टोटे हो के जुड़दा आए ओदा हुक्म होवे ता पत्थरां नूं बोलण दा शोर आ जांदा ऐ ओदा हुक्म होवे तां पत्थरां नूं बोलण दा शोर आ जांदा ऐ
हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक दी जाते पाक वास्ते खास दुरुदो सलाम सैयदुना व इमामुना इमाम कुल फखर रसुल नबी रहमत रहमत दो आलम आका कायनात हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जाते ग्रामी ते जीवकार सामाइन शामियात अल्लाह ताला दा बेहद शुक्र है कि उस मालिक ने अपनी रहमत और तौफीके खास नाल सानू अपने घर मस्जिद दे अंदर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे हवाले नाल जमा होने की तौफीक अता फरमाई। मेरी दुआ है अल्लाह ताला साडा सारियां दा मिल बैठना अहबाब दा इस खूबसूरत बजम दा इहतमाम इंतजाम फरमाना अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमा के साडे सारियां वास्ते हदायत और निजात दा सबब बनाए। मस्जिद दे इमाम खतीब मोहतरम मौलाना मुतसमिलाई हनीफ साहब हाफिजहुल्ला और मोहतरम जनाब मौलाना इब्तिसाम इलाही हनीफ हाफिजहुल्ला अल्लाह ताला इन्हां दीयां मेहनतां कोशिशां काविशां अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। मस्जिद दे बानी पैकर इखलास हजरत डॉक्टर मुहम्मद हनीफ रहिमहुल्लाह ताला अल्लाह उन्हां दी कबर नूं जन्नत दा बाग बनाए उन्हां दी कबर नूं तहद्दे निगाह फराक फरमाए करवट करवट अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस दे अंदर आला मुकाम अता फरमाए। यकीनन ये बच्चे खुशनसीब ने कि इन्हां दे वालिद ग्रामी डॉक्टर मुहम्मद हनीफ साहब इन्हां नूं इस नेक रस्ते ते लगा के गए। माशाला इन्हां दीयां बेटियां डॉक्टर साहब दीयां और बेटे दीन दी खिदमत कर रहे ने और इहदे नालों बड़ा सदका जारी आ और क्या हो सकदे। कुरान पाक दी तलीम दी जा रही है नबी पाक दी हदीस दी तलीम दी जा रही है अल्लाह ताला ने तमाम मेहनतां कोशिशां काविशां अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे तो कबल शेर रबानी यादगार असलाफ हजरत मौलाना कारी मुहम्मद हनीफ रबानी साहब हाफिजहुल्ला और दीगर उलमाए कराम तुसा हबाब नू अपने खिताबात सुना चुके और बरादरे मोहतरम भाई मुहम्मद यासर भट्ट साहब हाफिजहुल्ला तुहानू नाती या कलाम भी सुना चुके। अल्लाह ताला सब दी हाजरी अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे बड़े प्यारे भाई मोहतरम हाफज मुहम्मद अनवर नईम साहब भाई मोहम्मद सुफियान साहब मोहतरम भाई मुख्तार अहमद सलफी साहब हाफिजहुल्ला दीगर दाएं बाएं उलमाए कराम तशरीफ फरमा ने अल्लाह ताला सब दी हाजरी अपनी बारगाह दे अंदर शर्फे कबूलियत दे नाल लवा दे। कुरान पाक दे 19वें पारे सूरह फुरकान दे आखिर रुकू दी आखिरी आयात दे अंदरों एक आया मुबारका मैं तुसा अहबाब दे सामने तिलावत करन दी सआदत हासिल कीती। इस आया मुबारका दी रोशनी दे अंदर इंशाअल्लाह मैं तुसा अहबाब दे सामने चंद गुजारिशात करना चाहना। वैसे सर्दी बड़ी है शिद्दत दे बावजूद भी तुसीं तशरीफ फरमाओ एवें चंद मिनट ने बाकी इंशाअल्लाह फिर आखिर ते दुआ भी करांगे लेकिन बेदार हो के हुशार हो के सुस्ती उतार के बैठना है अल्लाह दे घर दे अंदर बैठे हो। मैं दुआ कहां अल्लाह सुनिया जिन्हें तेरे बंदे बंदियां तशरीफ लैके आए जो जो नेक जायज ख्वाहिशात लैके आए अल्लाह सब दियां पूरियां फरमा अल्लाह नेक तमन्नावां पूरियां फरमा। हज़रात इस वक्त बहुत बड़ा मसला साडे माशरे दे अंदर माशरती हवाले दे नाल कि अक्सर बंदे इस बात का शिकवा करते ने कि मैं अपने घरों बड़ा तंग हाँ बीवी कहती मैं अपने खामन तो तंग हाँ तो खामन कहता है मैं अपनी बीवी तो तंग हाँ जे मियाँ बीवी आपस के अंदर ठीक ने तो दोवें कहते हैं असी अपनी औलाद तो तंग हाँ। इस मसले का हल की है जी मैं आया मुबारक पढ़ी इंशाला इसकी रोशनी के अंदर चंद गुजारिशात करना चाहवागा तो जो करना रहमत कायनात जनाब मुहम्मद हिम्मत करो जरा उची पढ़ो सल्लल्लाहु प्यार मोहब्बत नाल अदब नाल मैनू खुश करने वास्ते बिल्कुल ना बोलिया दे अल्लाह ताला दी रहमत हासिल करने वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कयामत वाले दिन कुरब हासिल करने वास्ते मेरी जुबान ते नाम आए अदब नाल एहतराम नाल वकार नाल गज वज के ते रज के दुरूद पाक पढ़ने क्योंकि असी मस्जिद के अंदर आए हैं तो खाली झोलियाँ आए हैं इंशाल्लाह वापस खाली झोलियाँ नहीं जाना अल्लाह दी रहमत नाल झोलियाँ भर के जाने तो जो करना रहमत कायनात हबीबे किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने नबी पाक ने सलातु वसलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया
फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीन यकूलून रब्बना क़ब्लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअल्ला लिल्मुत्तकीना इमामा। फरमाया अल्लाह दे बंदे अंदरों बंदे नेक बंदे अल्लाह वाले बंदे मोमन बंदे इस पूरे रुकू दे अंदर अल्लाह ताला ने अपने वलियां दा तज़किरा फरमाया अपने नेक बंदियां दा तज़किरा फरमाया। इत्थों अल्लाह ताला ने गल शुरू कीती वा इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना लल्लर्ज़ि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जतं व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना ग़रामा साआत मुस्तकर्रं व मुकामा। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे बंदियां दी सिफतां बयान कीतियां। फरमाया मेरे बंदे जमीन ते चलदे ने ते आकड़ नाल नहीं चलदे आजदी नाल चलदे ने किसे जाखल नाल वास्ता पै जांदा लड़ाई नहीं करदे सलाम करके गुजर जांदे ने इन्हां दीआं रातां गुजरदियां ने कयाम करदियां रुकू करदियां सजदे करदियां अल्लाह ताला कोल माफियां मंगदियां जहन्नम तो पनाह मंगदियां। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदियां दा तज़किरा करदियां 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 इस मुकाम ते وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا قَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا जिड़े मेरे नेक बंदे ने दुआ करदे अल्लाह सुनिया सानू जड़ियां बीवियां अता करे उन्हां तेरों जड़ी सानू औलाद अता करे और साडी अखां दी ठंडक बड़ा देना वाजा अल्लाह लिल मुत्तकीन इमामा। अल्लाह जिथे बीवी नेक चाहिए जिथे औलाद नेक चाहिए उथे नेकी दे मामले दे अंदर तकवे दे मामले दे अंदर सानू ही सरे फरिश्त रखना इमाम बना देना। कायनात दे लोग अल्लाह ताला ने इस आया मुबारक दे अंदर तीन किरदार जिक्र कीते ने एक खामद वाला किरदार एक बीवी वाला किरदार एक औलाद वाला किरदार। कल्ला खामद होए बीवी ना होए ते घर नहीं सजदा बीवी होए ते खामद ना होए घर नहीं सजदा मियां बीवी होण ते घर बणदा है मियां बीवी दोनों होण ते घर दे अंदर औलाद ना होए ते घर फिर भी नहीं सजदा ए तिन्ना किरदारां नाल घर सजदा है ते तिन्ने किरदार मौजूद होण ते अगर सुकून ना होए ते घर फिर भी नहीं जे सजदा। अल्लाहु अकबर अल्लाह सुकून किवें मिल सकदे घर सज किवें सकदा है घर दे अंदर अमन किवें आ सकदे ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਮਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਲਓ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦਾ ਕਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलते नहीं पे अज बहुते थके थके लगते हो एक बारी छाल आए दुरूदे पाक दी रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला ए रसूला तो हमारा अरबी बहु सोना मीठा नाले प्यारा अरबी वैसे मैं रहा ना साढ़े दस हुए नहीं थोड़े साढ़े बारह हो गए हैं जरा बोलते क्यों नहीं मुबारक को सुभान अल्लाह एक बारी सज्जा चौके सीने का जोर ला के को सुभान अल्लाह
नबी पाक की सीरत का जलसा है तो ठंड तो वैसे बंदे की लह जाती है तो तुम बुकड़ा मारिया ने कच्छा में हाथ लैने तेरा गोडे छो बेदार होके हुशार होके बैठो आला ए रसूला तो हमारा अरबी बहु सोना मिठा नाले प्यारा अरबी है 2023 मॉडल नवे नवे शेर तो जो करना आला ए रसूला तो हमारा अरबी बहु सोना मिठा नाले प्यारा अरबी कदम टिकाए जातिया कपुर नूर कदम टिकाए जातिया कपुर मुनूर झगड़े फसाद मुके जग तो बतूर बिगड़े माहौल नो सवारा अरबी बिगड़े माहौल नो सवारा अरबी बहु सोना मिठा नाले प्यारा अरबी आला ए रसूला तो हमारा अरबी बहु सोना मिठा नाले प्यारा अरबी एक बारी पढ़ो ना तेरा गूंज पै जाए फिर इंशाला जल्दी तकरीर शुरू हो जाएगी वो सारे बोल पैना ना इंशाला तकरीर करनी आसान हो जानी है आला ए रसूला तो हमारा अरबी बहु सोना मिठा नाले प्यारा अरबी तुसा कड़ा प्यारा अरबी आला ए रसूला तो हमारा अरबी बहु सोना मिठा नाले प्यारा अरबी आला ए रसूला तो हमारा अरबी बहु सोना मिठा नाले प्यारा अरबी ओ सोना आया ते जग तो गुमराइया मुकिया सब बादशाह दियां शाइयां मुकियां जग तो मटाया ए गंदारा अरबी जग तो मटाया ए गंदारा अरबी बहु सोना मिठा नाले प्यारा अरबी बहु सोना मिठा नाले प्यारा अरबी जग तो मुकाया ए गंदारा अरबी बन के रसूल आया सारे जागीदा बन के रसूल आया सारे जागीदा रा सानू दसिया ए सोने रब दा बन के रसूल आया सारे जागीदा बन के रसूल आया सारे जागीदा रा सानू दसिया ए सोने रब दा रा सानू दसिया ए सोने रब दा बोता तू दिता छुटकारा अरबी बोता तू दिता छुटकारा अरबी बहु सोना मिठा नाले प्यारा अरबी आला ए रसूला तो हमारा अरबी बहु सोना मिठा नाले प्यारा अरबी दुख वंडाए सोने दुखियां दे बट साहब दुख वंडाए सोने दुखियां दे हाल वंडाए सोने भुखियां दे दुख वंडाए सोने दुखियां दे हाल वंडाए सोने भुखियां दे दुखियां यतीमां दा बणिया सहारा अरबी बहु सोना मिठा नाले प्यारा अरबी आला ए रसूला तो हमारा अरबी मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातु व सलाम दी सीरत मेरे पैगंबर ने सलातु व सलाम दा किरदार इस हवाले नाल आईडिया ले नमूना बल्कि नबी पाक दी जिंदगी दा ते एक एक पहलू मेरे तुहाडे वास्ते आईडिया ले नमूने रब्बे अकबर दी कसम अज दा मुसलमान एदी जिल्लत दी अगर कोई वजह है एक ही वजह है इन्हे बाकी सारे जहान नु फॉलो कीता है नबी पाक नु फॉलो नहीं कीता एको वजह जिल्लत रुसवाई मुकद्दर बन गई है अज दे मुसलमाना दी अगर अज भी मुसलमान कदम कदम ते मेरे पैगंबर नु फॉलो करे नबी पाक दे कदम ते कदम रखे मेरे पैगंबर दे पीछे पीछे चले अल्लाह दी कसम कदम कदम ते आसमाना तो रहमतां दा नज़ूल होए मैं घर दी गल करना चाहना नबी पाक दी उम्र 24-25 साल है रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर तजारत दी गरत दे नाल शाम दे इलाके दे अंदर गए ने इत्तफाक रस्ते दे अंदर बारिश हो गई है माने तजारत गिला हो गई है खजूरां गिलियां हो गई ने मेरे पैगंबर ने मंडी दे अंदर जाके माल लग
लगा दिता है, गिलियां खजूरां अलग रख दित्तियां ने, सुखियां खजूरां अलग रख दित्तियां ने। इधर जनाब बड़े बड़े ताजर रब दे मेरे पैगंबर दे करीम तो गुजरते ने, कहंदे ने वेखांगे एडा मानदार अपना माल तजारत फरोखत करके चला जाएगा। नबी पाक ने किसे दी किसे गल दा कोई जवाब नहीं दिता, जिथे मुखालफ होण ते सुभान नाल जवाब नहीं देता, अपने किरदार नाल जवाब दे दे। मेरे पैगंबर ने किसे दी किसे गल दा जवाब नहीं दिता। शामा पईआं ने नबी पाक ने सलातो सलाम दा सारा ही माल तजारत विक जांदा, ये गल्लां करन वालियां दा माल उंजी पिआ है। वह लोग जिहड़े मेरे पैगंबर नूं गल्लां पै करदे सन, इह कोई बोल करके कहंदे पै ने, और जिहड़ा जवान मुहम्मद नामी मक्के तों आए, जिड्डा शकल दा सोहणा है उड्डा किरदार दा सोहणा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिड्डा शकल दा सोहणा है उड्डा किरदार दा सोहणा है। हुण मेरे पैगंबर दे किरदार दियां तुम्मां पूरे अरब दे अंदर पै गईआं ने। अल्लाहु अकबर। इधर अरब दी माल दी मालदार तरीन औरत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अल्लाहु अकबर, इन्हां वल अरब दे बड़े बड़े मालदार सरमाएदारां ते बड़े बड़े सरदारां निकाह दा पैगाम भेजिए। हज़रत खदीजा ने सब दे निकाह दे पैगाम नूं रद्द कर दिता है। मेरे भाईओ एक बात याद करके लै जाना, लिख के लै जाना। बुजुर्ग बैठे ने मेरी मजलस दे अंदर, मेरियां मावां बहनां भी सुन वास्ते आईआं, जवान तशरीफ लै करके आए। अज अक्सर लोग साडे कोल आंदे ने, कहंदे हज़रत जी घर दे अंदर बेटे जवान ने, बेटियां जवान ने, नेक रिश्ते कोई नहीं लभदे। मैनू कायनात रब की कसम बुजुर्गो, तुसी अपनियां औलादां दी तरबीयत कर छड्डो, रिश्ते घर चल के आ जाणगे। ऐ वेखो मेरे पैगंबर दे किरदार दी धुम पई है ते रिश्ता घर चल के आण लगे। ओ औरत जिहड़ी अरब दी मालदार तरीन औरत, जिहदे वल सरदारां दे निकाह दे पैगाम आए ने, सब दे पैगाम दे निकाह दे पैगाम नूं रद्द कर दिता है। लेकिन जदों नबी पाक दियां वारियां आईआं ने, अम्मा खदीजा ने खुद मेरे पैगंबर वल निकाह दा पैगाम भेज छड्या है। खुद नबी पाक वल निकाह दा पैगाम भेज छड्या है। पैगाम नबी पाक तक पहुंचिया ना। रहमत कायनात अपने चाचा सरदार अबू तालब दी कफालत दे अंदर ने जाके मशवरा कीता, चाचा जी खदीजा दा निकाह दा पैगाम आया की करना चाहिए। सरदार अबू तालब ने कहा कर दी है। और कायनात दे लोगो तवज्जो करे, आडे गौर करे, आडे मेरे पैगंबर सलातो सलाम दा ते सय्यदा खदीजा दा निकाह हो गया आपस अंदर। अम्मा खदीजा मेरे पैगंबर दे घर दे अंदर दुल्हन बन के आईआं ने। अज मैं एक पैगाम देना चाहना, गल समझाना चाहना वा, घर दे अंदर अमन किवें आ सकदा है, घरां दे अंदर सुकून किवें आ सकदा है, खावां अखां दी ठंडक किवें बन सकदे, बीवी अखां दी ठंडक किवें बन सकदी है, अगे बच्चे अखां दी ठंडक किवें बन सकदे ने। मेरे पैगंबर दा निकाह सय्यदा खदीजा दे नाल किरदार दी बुनियाद ते होए। अल्लाह ताला ने इस किरदार नूं भाग किवें लाए ने, तवज्जो करना। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम कदम ते नबी पाक नाल अम्मा खदीजा ने वफावां कीतियां ने। पहली रात मेरे पैगंबर हुजरा अरूसी दे अंदर दाखल होए ने। आप फरमांदे ने, खदीजा हो सकदा है मेरा तेरा निभा ना हो सके, हो सकदा है मेरा तेरा गुजारा ना हो सके। ते मां खदीजा रो पईआं ते रो करके कहंदियां ने, सुणियो किवें दियां गल्लां करदे ने, मैं ते अल्लाह कोलो तुहानूं दुआवां मंग मंग के लिया है, जे अल्लाह ने अता कर दित्ते तेरे दियां गल्लां क्यों फ कर दियो। मेरे पैगंबर फरमांदे ने, खदीजा तू दुनिया दियां दौलतां दे अंदर बणी है, तू दुनिया ते नाज़ां नखरियां दे अंदर बणी है, तू दुनिया दियां नेमतां दे अंदर बणी है, ते मैं दुनिया दी दौलत पसंद नहीं करदा। ते अम्मा खदीजा फरमांदियां ने, सुनिया मैं की करना दौलतां नूं, जिन्नू तुसी मिल गए उन्नू कायनात दियां दौलतां मिल गईआं। जिदे किसे दिंदर तुस आ गए ओदे किसे दिंदर कायनात दियां दौलत आ गईआं। जिसे मिल गया कमली वाले कदामर, उसे दो जहां का खजाना मिला गए। और जिन्हां नूं इस बाप ते पकड़े के
मैनू लगता पूरी तकरीर की समझ कली शेख नू ही आई है, तुहानू किसे नू नहीं आई? कोई मजमे चो लाओ नारा, पता लगे कि समझ लगी किसे नू। अच्छा पहला भी कैमरे वाला ते दूसरा भी कैमरे वाला, तकरीर भी असी करिए, वीडियो भी असी बनाइए ते नारे भी असी लगाइए, ते तुसी की लैण आए हो? ओ को लाओ नारा माशाल्लाह, पता लगे कोई मजमे दे अंदर सुन दे बैठे हो। मेरा नारा नहीं लाना, मैं अपना नारा नहीं लगवाना चाहता, इन्हां विचों नारा लगवाना चाहना। कोई खत्मे नबुव्वत दा नारा लाए, कोई अजमत मुस्तफा दा नारा लाए, कोई शाने सहाबा दा नारा लाए, और संगा ला दियो। अल्लाह दी कसमे ओ मुर्तद बेईमान कादियानी इस हद तक पहुंच गए कि कुरान पाक दी तहरीफ करम ते उतर आए, कुरान पाक दा तर्जमा गलत करम ते उतर आए, ते तू नबी पाक दी खत्मे नबुव्वत दा नारा नारा लगिया लगान लगिया संग ने। जरा जुर्रत कर, उठ के जरा नारा ला, वेखना केड़ा नारा साडे नारियां दी लोड़ कोई नहीं। बेदार हो जो है, सुस्ती ला दियो, जाग जो। मैं हुण नारा लाना, जवाब तुसी देने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अजमत मुस्तफा, शाने मुस्तफा, ताज दारे खत्मे नबुवत, हा ताज दारे खत्मे नबुवत। दो मरतबा गज के जोर ला के हाथ लहरा के कहना जिंदाबाद जिंदाबाद, ताज दारे खत्मे नबुवत। अल्लाह अकबल्ला, मेरे भाईयो सुस्ती दूर कर दियो, जाग जो जाग जो। और जिसे मिल गया गए कमली वाले का दामन, उसे दुल जहां का खजाना मिला गए। भला क्या करेगा वो ऐशो इशरत मदीने में जिसे को ठिकाना मिला गए। के जावा कुर्बान जावा मां खदीजा रदी अल्लाह तआला के लिए रे सोणियो, जिन्नू तुसी मिल गए नु कायनात दीयां दौलतां मिल गईयां। अज तो बाद ए दौलतां तुहाडे कदमां तो निछावर ने, मैं भी तुहाडे तो कुर्बान ते मेरियां दौलतां भी तुहाडे तो कुर्बान। अल्लाह दी कसम, पहले दिन दीयां कीतियां गल्लां ते मां खदीजा ने पहरा दे के विखा दिते। नबी पाक ते औखे दिन आए ने, सौखे दिन आए ने, कदम कदम ते मेरे पैगंबर अल वफामा की दिया ने, कदम कदम ते मेरे पैगंबर दा साथ दिता। आज पहला दिन ने मेरे पैगंबर ने सलातु व सलाम ते वही नाज़िल हुई है। रहमत ए कायनात ने सलातु व सलाम घर तशरीफ लै कर के आए। नबी पाक ने सलातु व सलाम फरमांदे ने, खदीजा जम्मे लूनी जम्मे लूनी, मैनू कंबल उड़ा दे, मैनू इंज लगदा है जिवें मेरी जान चली जानी है। मेरे पैगंबर परेशानी दे आलम दे अंदर ने, मां खदीजा बोलिया बोल करके कहदिया ने, कल्ला वल्लाही ला युखजी कल्लाहु अबदा। फरमाया सुनिया, मैनू अल्लाह दी कसमे परेशान, अल्लाह तुहानू परेशान नहीं होण देगा। अल्लाह अकबला, पता चलिया कायनात दे लोगो, ऐ बीवी खावन दा हौसला होया कर दीए, बीवी खावन दी हिम्मत होया कर दीए। परेशानी आए खावन दा हौसला बीवी बन जाए ते परेशानियां कम हो जाया कर दियां ने। मैं कुर्बान जावा, मां खदीजा ने मेरे पैगंबर ने निकाह कीता किरदार दी बुनियाद ते। अज वेखो मेरे पैगंबर
पैगंबर दा ते अम्मा खदीजा दा जोड़ा बनया, मिसाली जोड़ा बनया, ऐसा जोड़ा बनया। कायनात दे लोग एक वक्त ऐसा भी आ गए, मेरे पैगंबर नु तू ही दी दावत देन दी वजह करके शेबे अभी तालब दी काटी जंदर मासूर कर दिता गए। ओए ओ औरत जिते खैमे दियां किलियां भी सोने दियां होया कर दियां सन, अज शेबे अभी तालब दियां काटियां जंदर भुखां दे अंदर ते दुखां दे अंदर दिन गुजारन ते मजबूर। छोटियां छोटियां बेटियां मां खदीजा दियां, अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे पैगंबर ने वेखिया की है हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला ने हाथ दे अंदर खजूरां दे पत्ते पकड़े हुए ने, ते पानी दे घुट दे नाले खजूरां दे पत्ते निगल के कहंदियां ने अलहम्दुलिल्लाह। मेरे पैगंबर दियां अखां डुल पईयां, आप फरमांदे ने अल्लाह वेख लै तेरी बंदी तेरे महबूब दी मुहब्बत दे ने किस कदर मजबूर, इस कदर मजबूर हो के भी मेरे पैगंबर दा साथ नहीं छड्या। अल्लाह ताला ने इस किरदार नूं पा के लाए ने। एक दिन अम्मां खदीजा ने मेरे पैगंबर ने सलातु वसलाम वास्ते खाना तैयार कीते, बर्तन दे अंदर डालिए लै के चलिया ने, घरों चलिया ने, आसमाना तो जिब्रील चल पहले। मां खदीजा मेरे पैगंबर दे कोल नहीं पहुंचिया, अल्लाह दी कसम जिब्रील अमीन पहले मेरे पैगंबर को आ गए ने। आके कहंदे ने सोने ओ खदीजा आ रही है तुहाडे वास्ते खाना लेके आ रही है, ते जदों तुहाडे कोल आए ओनू मेरा भी सलाम कहना, ते अरशां वाले रब दा भी सलाम कहना, ओनां नू मेरा भी सलाम कहना, ते अरशां वाले रब दा भी सलाम कहना। कल्ला सलाम ही नहीं फबशिरगा 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 बिबैतिल फिर जन्ना। फरमाया सोनिया खदीजा नु जन्नत दे महल दियां खुशखबरियां भी दे देना। हुण रिश्ता किरदार दी बुनियाद ते गए, वेखो अल्लाह ने पाग लाए इस जोड़े दे अंदर। अल्लाह ने मेरे पैगंबर सलातु वसलाम नु हजरत खदीजा दे बतन दे अंदर अल्लाह ने चार बेटियां ते दो बेटे नबी पाक नु अता फरमाए। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर दे दोनों बेटे बचपन दे अंदर अल्लाह नु प्यारे हो गए, चारे बेटियां नबी पाक दियां जवान होईयां, चारां बेटियां दा मेरे पैगंबर ने निकाह कीता। सब तो छोटी बेटी मेरे पैगंबर दी सच्ची दाऊ फातिमा रजी अल्लाह तआला नगाओ जवानी दे अंदर कदम रखिए। बेटियां वालियो अल्लाह दी कसम बेटियां जवान हो जाण ते मापियां दियां रातां दियां नींदरां मुक जांदियां ने, बाप करवट भी बदल लै ते दुआ कर दे अल्लाह मेरे घर दे अंदर जवान बेटी है मेरी इज्जत दी हिफाजत फरमाना, मुसाफरां दुआ करना आमीन कह देना। अल्लाह बेटियां दित्तियां ने ते बेटियां दे मुकद्दर चंगे बड़ा, अल्लाह बेटियां दित्तियां ने ते बेटियां दे नसीब अच्छे बड़ा, अल्लाह बेटियां दित्तियां ने ते बेटियां नूं अपने घरां दे सुख अता फरमाओ। ओए फैसलाबादिया इस दौर दे अंदर ऐसियां ऐसियां बेटियां भी ने, मापियां विआह कर दित्ते निकाह कर दित्ते ते एडे जालम शौहर मिले ने, सिगरटां लगा लगा के उन्हां दे जिस्मां नूं साड़ देने जलाम देने। बेटियां अपने बाप दी पगड़ी दी लाज रख दियां, अपनी मां दे दुपट्टे दा लाज रख दियां, अपने ससुराल दे अंदर दुख बर्दाश्त करके जिंदगी गुजार दियां ने। अल्लाह दुआ कर लाडड़ियां तियां दुखी ने सुख अता फरमाए। अल्लाह जिहड़ियां बेटियां अपने घरां दे अंदर परेशान ने अपने घरां दियां खुशियां अता फरमाए। मेरे भाई इंज दे वी जालम ने, शराब पी के आ के बीवी ते तशद्दद करदे ने, बीवी ते जुलम करदे ने, बीवी नूं मारदे ने। दुआ कर अल्लाह ऐसे जालमां नूं हिदायत अता फरमाए। मेरे पैगंबर दी बेटी जवान हुई है, अल्लाह अकबर। अल्लाह सैयदना गदर ते अबू बकर दी अल्लाह खुदान को मेरे पैगंबर दे कोल आए ने। सोहणियो फातिमा दे रिश्ते वास्ते आया वा, मेरे पैगंबर फरमाते ने अबू बकर मैं अल्लाह दे फैसले दे इंतजार करदा पिया वा, मेरे खदर ते उमर मेरे पैगंबर दे कोल आए ने। सोहणियो फातिमा दे रिश्ते वास्ते आया वा, मेरे पैगंबर फरमाते ने उमर मैं अल्लाह दे फैसले दे इंतजार करदा पिया वा, मेरे खदर ते अली रदी अल्लाह खुदान को मेरे पैगंबर दे कोल आए। ऐंदा करके शर्म दी वजह करके गल कोई नहीं कीती, मेरे पैगंबर दी मजलिस दे अंदर बह जांदे ने। आप फरमाते ने अली
इंज लगद जिमें नबी की बेटी का हक मंगण वास्ते आए जी सुने मेरे पैगंबर फरमाते ने अली रुक जा जरा मैं अपनी बेटी न मशुरा कर लवा मेरे पैगंबर उठे ने गए ने अपनी बेटी फातिमा को बोलो रज़ी अल्लाह खुद आला बेटी मैं तेरा रिश्ता अली नल करना चाहना वा ते बेटी याद रखना मैं तेरा रिश्ता अली नल अली दियां दौलतां वेख के नहीं पिया करदा बल्कि अली दा ईमान वेख के करदा पिया वा मैं तेरे अगे भी दरखास्त करांगा फैसलाबादियां अल्लाह दी कसम तियां दे रिश्ते करिया कर दीन दी बुनियाद दी वजह करके कोठियां दी बुनियाद नहीं होनी चाहीदी दुकानां दी बुनियाद नहीं होनी चाहिए मकाना की बुनियाद नहीं होनी चाहिए इंज दे फैसले ना करिया कर फैसले तू करे ते सारी जिंदगी सदावां बेटियां नूं भुगतणियां पैंदियां ने सारी जिंदगी सदावां धियां नूं पैदियां ने अपनी मर्जी दे ते अपनी अनाप दे फैसलियां तो बचिया कर वेख पूरी कायनात दे इमाम ने मेरे पैगंबर ने बेटी नाल मशवरा करके उम्मत दियां बेटियां वास्ते आसानियां पैदा कर दित्तियां ने क्योंकि कुरान कहंदा है वा मा अरसल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन मेरे पैगंबर जहाना वास्ते रहमत बन के आए ने दुनिया दे हर इंसान वास्ते मेरे पैगंबर रहमत बन के आए ने सोना जागी ते शाके उमम आया सोना जागी ते शाके उमम आया वंडने दुखियां दे गम आया को सुभान अल्लाह सोना जागी ते शाखे उमम आया सोना जागी ते शाखे उमम आया वंडने दुखियां दे गम आया कोई अब्दुल्ला दा चैन चुमे कोई अब्दुल्ला दा चैन चुमे कोई जुल्फ चुमे कोई नैन चुमे कोई जुल्फ चुमे कोई नैन चुमे कोई जुल्फ चुमे कोई नैन चुमे बने अरब दसो घोड़ा चंद आया बने अरब दसो घोड़ा चंद आया वंडने दुखियां दे गम आया जिंदा कबरां विच पैंदियां सड़ी जिंदा कबरां विच पैंदियां सड़ी आका आए ते बेटियां कैदियां सड़ी आए आकत बेटियां कैदियां सड़े की कैदियां सड़े तेरा आवण साडे कम आया सोना तेरा आवण साडे कम आया वंडने दुखियां दे गम आया हर तड़पे अज बड़ा वड्डा जुमला पढ़ लगा सोना जागी ते ओ सरदार आए सोना जागी ते ओ सरदार आए जिदी कुल कायनात तेरी आया है ओ जिदी कुल कायनात तेरे आया है उम्मत दा बने खाके में आया उम्मती दा बने गाके में आया वंडने दुखियां दे गम आया वंडने दुखियां दे गम आया नहीं समझे मुके गम खुशियां गजारा मिल गईयां कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया मुके गम खुशियां गजारा मिल गईया कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया आओ अज जिक्र गबी भी करिए बुलंदियां ते अपना नसीब करिए शाने मुस्तफा
अल्लाह किछे केड़ियां हस्तियां याद करा दितियां ने। अली सोना है पै करदा अल्लाह पाते खैबर दा जग सारा जानदा है वहाबी नौकर है दरदा जग अली सोना है पै करदा नाले फाते खैबर दा जग सारा जानदा है वहाबी नौकर है दरदा क्यों दूर दूर रहना है नहीं कोनी साडे बहना है इसलिए तू सजना बुरा सानू कहना है गल मुकदी मुका देवा गल मुकदी मुका देवा नाले तक अज ला देवा जुटी सुन है दर्दी है ताज मेरे सरदार जुटी सुन है दर्दी है ताज मेरे सरदार इस बस मैं कहता फिर ना ना सुन के अली मौला दत दिल मेरा ठर जाने ना सुन के अली मौला दत दिल मेरा ठर जाने ना सुन के अली मौला दत दिल मेरा ठर जाने जिन्हों मोमिन दा मैं पीरा का सच आखां ते आखां दा वीर आखां सच आखां ते आखां दा वीर आखां जिहड़ा काफरां नूं तड़पांदे ते दिल मेरा ठर जांदे ना सुन के अली मौला दत दिल मेरा ठर जांदे ना सुन के अली मौला दत दिल मेरा ठर जांदे जेड़ा गैदर दा गुबदार उसी सो रब्बी दी उदा बेड़ा पार उसी सो रब्बी दी बेड़ा पार उसी जो मोहम्मदी अकीदा बनांदे ते दिल मेरा ठर जांदे जो मोहम्मद दी अकीदा बनांदे दिल मेरा ठर जांदे एक बारी बोलो ना ना सुन के अली मौला दत दिल मेरा ठर जांदे तू इंजदा यार मिजाज बड़ा है दरी नू सिरी दा ताज बड़ा तू इंजदा यार मिजाज बड़ा हैदर नू सिर दा ताज बड़ा मुनकर वैरी सड़ जांदे ते दिल मेरा ठर जांदे अल्लाह नाम सदके जावा कुर्बान जावा मेरे पैगंबर सलातो वसलाम ने बेटी नाल मशवरा करके उम्मत दे बेटियां वास्ते रहमत दा पैगाम दिता है उम्मत दियां औलादां वास्ते रहमत दा पैगाम दिता है बाप अगर बेटे दा रिश्ता करना चाहते बेटी दा रिश्ता करना चाहते नेक रिश्ता करना चाहते अपनी बेटी बेटी नाल अपने बेटे नाल मशवरा कर लेना चाहिए ते सदी दा फातिमा रदी अल्लाह तआला अनका खामोश हो गईयां ने मेरे पैगंबर फरमांदे ने बेटी फातिमा मैं तेरा रिश्ता अली नाल कर लगा ते किस बुनियाद ते किस बुनियाद ते किस बुनियाद ते हाँ बोलो किस बुनियाद ते ईमान दी बुनियाद ते सदके जावां एक ईमान ते फिर अली दा ईमान सदके जावा ईमान ते आम मोमन बड़ी अजमत वाले ते अली ते ओह ने जिन्हां दे बारे नबी पाक ने फरमाया अली तेरे नाल प्यार करन वाला मोमन होएगा तेरे नाल बुगद रखन वाला मुनाफिक होएगा अली दा ईमान आपने फरमाया मन कुल तू मौला फा अली यू मौला जिदा मैं मौला ओदा अली मौला अल्लाह हू अकबर बड़ सा मैनू एक हदीस याद आ गई ईमान ते फिर हजरत अली दा ईमान
رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے ایک دن غدر تے علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مہم تے روانہ کیتا تے آپ حضرت علی نو آپ رخصت کرن واسطے آئے نے. اج غدر تے علی لشکر نو لے کے چلے گئے نے میرے پیغمبر دیاں نظراں تو جلوئے نے. نبی پاک نے صلوات و سلام نو غدر تے علی نظر آنا بند ہو گئے نے. غدر تے میں عطیہ رضی اللہ تعالی کا بیان کر دیاں نے. میرے پیغمبر نے اس موقع تے دعا کیتی اللہم لا تم اتنی حتا تری علی علی اللہ سنیا انی دیر تک میں موت نہ دیں جنی دیر تک میرا علی واپس میں نظر نہ آ جائے. اتنا پیار میرے پیغمبر نو خضر تے علی نال اتنا اعلی ایمان ہوئے غدر تے علی رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک فرمان دے بیٹی فاطمہ میں علی نال تیرا نکاح کر لگا ماں علی دے امام دی وجہ کر کے علی دیاں دولت میرے پیغمبر نے ویکھیاں ہن کائنات دے لوگ سجدی دا فاطمہ تے سیدنا قدر تے علی دا رشتہ طے ہو گئے. اللہ کو اکبر کرم دے اندر سکون آندے تے کردار دی وجہ کر کے کرم دے اندر برکت آندی ہے کرم دے اندر خوشیاں آندیاں نے تے کردار دی وجہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح ہو گئے ہن میرے پیغمبر دی بیٹی اپنے بابا دے کرو حضرت علی دے گھر جان لگیاں نے اپنے سسرال دے گھر جان لگیاں نے. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے اپنی بیٹی نو جاندے آؤ جڑا جہیز دیتا ہے اللہ دی قسم ہے اس نبی دی بیٹی آج اپنے گھروں جا رہی اپنے سسرال دے گھر جس نبی نو اللہ تعالی نے کائنات دا سردار بنائے جس نبی نو اللہ تعالی نے امام الانبیاء دا تاج پہنائے جس نبی نو اللہ نے خاتم النبیین دا تاج پہنائے جس نبی نو اللہ تعالی نے سدرت المنتہا دیاں بلندیاں تے پہنچائے او جس نبی دی عظمت تے شان دا اللہ نے پوری دنیا دے اندر ثانی پیدا ہی کوئی نہیں کیتا اوئے او نبی جڑی اللہ کول دعا کر دے تے اللہ او پہاڑ سونے دا بنا دیندا. اج میرے پیغمبر دی بیٹی اپنے بابا دے گھروں جا رہیاں نے تے نبی پاک نے پانچ چھ چیزاں ضروری ضروری دتیاں نے کادے واسطے کہ امت دیاں بیٹیاں انہاں دے نکاح آسان ہو جان. معذرت دے نال فیصلہ آبادیا غلام آبادیا اج جا اپنے فیصلہ آباد دا وزٹ کر لے ایسیاں ہزاراں بچیاں اپنے ماپیاں دے گھراں دے اندر بیٹھیاں ہون گیاں جنہاں دے ماپے جہیز نہیں دے سکدے تے انہاں دے نکاح نہیں بہوندے او اپنے ماپیاں دے گھر دے اندر بہ کے اپنی زندگی جوانی دے ایام قیمتی گزاردیاں پیاں نے. تے ایک پاسے سردار دے بیٹے دی شادی اے سردار دی بیٹی دی شادی ہے چودھری دی بیٹی دی شادی ہے محلے دے کونسلر دی بیٹی دی شادی ہے علاقے دے چیئرمین دے جناب بیٹی دی شادی ہے ایم پی اے تے ایم این اے تے سرداراں تے وزیراں تے حکمراناں دیاں بیٹیاں دیاں شادیاں نے. انہاں تے لکھاں کروڑاں پیا خرچ ہوندا پے. میں کہنا اگر قیامت والے دن اے جڑیاں بیٹیاں اپنے ماپیاں دے دروازیاں تے بیٹیاں جوانی گزاردیاں پیاں نے صرف اس واسطے انہاں دے باپ انہاں نوں جہیز نہیں دے سکدے انہاں قیامت والے دن ساڈا گربان پکڑ لیا تے اسی کی جواب دیواں گے کی قصاب دے. اوئے میری بیٹی دا نکاح ہوئے تے میں 50 لاکھ دا جہیز دے چھڈاں تے سکے بھرا دی بیٹی دا نکاح اے تے بھرا اپنی بیٹی اس واسطے رخصت نہیں کر سکدا کہ جہیز نہیں دے سکدا. میرے بھائی اپنے معاشرے تے وی غور کیجئے اج اس نبی دی بیٹی جا رہی اے جڑا آپ دا سردار ہے تے بیٹی ہو جا رہی ہے جدے بارے نبوت والی زبان نے آکھیا بے انا فاطمہ تا سجدہ تو نساء اگل جنہ. فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے بڑا قدر تے فاطمہ کائنات دے لوگو اپنے بابا دے گھروں قدر تے علی دے گھر چلیاں گیاں. نکاح والا معاملہ بیان کرام موضوع لمبا ہو جائے گا میں مختصر بات بیان کرنا چاہنا ماں. ہن ایک گل یاد کر لو جوان بیٹھو کسرت دے نال میری بہناں تے ماواں میاں نے کسرت دے نال اللہ دی قسم اے گھر ایسیاں دے نال نہیں دے سجدے
घर फर्नीचर नहीं जे सजदे, घर फरीजा दे नहीं जे सजदे, घर बैडा दे नहीं जे सजदे, घर सोफिया दे नहीं जे सजदे, घर सजदे ने ते किरदार दे नाल सजदे दे। अल्लाहु अकबर। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बेटी दे घर दा एक वाकया सुनाणे ते फिर मैं गल खत्म कर देनी है। अल्लाहु अकबर। हजरत साखल बिन साद रजी अल्लाह खुतान को बयान कर दे रहे, एक दिन सैयदना गदर ते अली रजी अल्लाह खुतान ऐज कामकार दे सिलसिले दे अंदर घरों बाहर निकले ने, कारोबार मिलिया कोई नहीं, मजदूरी मिली कोई नहीं, वापस आए ना रस्ते अंदर पे आए, वापस आए ते घर दे अंदर दाखिल होए, वेखिया गदर ते हसन हुसैन रोंदे पे ने। अल्लाहु अकबर। हजरत अली रजी अल्लाह खुतान को हजरत फातिमा नु कहन लगे, फातिमा गसनैन क्यों पे रोंदे ने? हजरत फातिमा कहन लगी, अली जी घर दे अंदर आटा कोई नहीं, इन्हां नु भुख लगी है, भुख दी वजह करके रोंदे पे ने। अल्लाह को अगे दे घर दी अल्लाह गल करदा पिया, हजरत अली दे घर दी गल करदा पिया, केड़े घर दी गल करदा पिया? हसनैन दे अम्मा दी घर दे गल करदा पिया, ओ केड़े घर दी गल करदा पिया? नबी पाक दी लाडली बेटी दे घर दी गल करदा पिया? शहजादे क्यों रो रहे ने? घर दे अंदर आटा, घर दे अंदर आटा? हाय सदके जावां ते सईदा ने नहीं आखिया अली जी आटा ते अग ही नहीं, मैं तुहाडे घर किवें रवां? मैं हसन हुसैन नूं लै के अपने बाबा दे घर जा रही हां। सदके जावां, किरदार सी ना, तरबीयत सी ना मेरे नबी पाक दी। मेरे पैगंबर ने जान लग्या कुछ जहेज ट्रक दा ट्रक भर के नहीं सी दिता, अल्लाह दी कसमें जानदे आ मेरे पैगंबर ने अगर को दौलत दिती सी ते सजीदा फातिमा नूं एक कुरान दी दौलत दिती सी, दूसरी हया दी दौलत दिती सी। असी सारा कुछ दे देने आ, कुरान सिर दे थल उत्ते रख के कुरान दे साए दे थले रुखसत कर देने आ, लेकिन बेटी नूं कुरान दी तलीब नहीं देंदे। की फायदा सिर ते रखण दा जे उन्हूं पता ही नहीं भी इहदे कुरान दे विच है की, कुरान पाक दे अंदर लिखिया की है, कुरान पाक कहिंदा की है, सस दे की हकूक ने, सहुरिआं दे की हकूक ने, रिश्तेदारां दे की हकूक ने, खावन दे की हक ने? अल्लाहु अकबर। अगर एक बेटी पढ़ी लिखी होए, मैं अक्सर कहिंदा हुन्ना वा एक बेटी समर जाए एक नस्ल समर जांदी है, एक बेटी समर जाए एक नस्ल समर जांदी है। ते सियाणे कहिंदे ने असल चंगी ते, और बोलो असल चंगी ते नसल चंगी, असल चंगी होए ते नसल चंगी होंदी है। ऐ नौजवान माशाल्लाह, मौलाना मुतसम इलाही हनीफ, मौलाना इब्तिसाम इलाही हनीफ, दुआ करो अल्लाह इन्हां जवानां दी जवानी च बरकत फरमाए, अल्लाह साडे सिपाही नूं सेहत अता फरमाए। माशाल्लाह इन्हां अपने बाप दा डॉक्टर हनीफ साहब दा मिशन जारी रखिए, दस रहे सन माशाल्लाह 17 बच्चियां इस दफा जिन्हें दरसे निजामी मुकम्मल करने वो सनद हासिल कर लिया ने, कितनी बड़ी बात है। ऐसे इलाके अंदर बैठ के कुरान और हदीस की तलीम देना यकीनन बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों के दस्ते बाजू बन जाओ, हर मस्जिद के अंदर हर इलाके के अंदर बच्चियों की तलीम का इंतजाम होना चाहिए। अल्लाह की कसमें एक पढ़ी लिखी बच्ची किसी घर के अंदर जाएगी, एक खानदान संवर जाएगा, एक नस्ल संवर जाएगी। अज असी परेशान हाँ, साढ़े बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, साढ़े बच्चे आवारा होते जा रहे हैं, उसकी वजह है जड़ी औलाद दीन तो दूर हो जाए, उहदे नाल वड्डी आवारगी कोई नहीं हुंदी। अगर अपने बच्चियां नूं दीन ते पक्कियां रखना चाहते जे, अपनियां बच्चियां नूं कुरान पाक दी तलीम दियो, एक माँ एक बेटी संवरेगी, एक माँ संवरेगी, अल्लाह की कसम एक माँ संवरेगी, एक नस्ल संवरेगी, एक नस्ल संवरेगी, एक कौम संवरेगी। और कौन संवारेगा? असी संवारांगे। निकलो मैदान अमल दे अंदर, बात लंबी ना हो जाए, मैं हदीस मुकम्मल करना चाहना। हबीब बरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक ने सलातो सलाम, मेरे पैगंबर ने सलातो सलाम दी बेटी दा घर ते नवासियां नु भुख लगी है ते घर दे अंदर आटा, घर दे अंदर आटा कोई नहीं, इहदे तो पता चलदा दिन बदलदे रहिंदे ने, तिलका लईआ मुनु दा विनु खाबे नन्नास,
कदी गरीबी कदी अमीरी कदी अच्छे दिन कदी माड़े दिन याद आ गया मेरे शेख शहीदुल बद्र अब्दुल्ला ने फरमाया कर दे जन्ना सारी दुनिया को जीए ना सारी दुनिया सोनीए ना सारे चेहरे खस देने ना कर एक सूरत रोनीए पे आ बंदा पावे कुछ करे जो बोनीए सो बोनीए ऐ पंड दुखां दी सिर ते चाल जिस टोनीए उस टोनीए ओ किते गमा तो छुट्टी मिलदी नहीं कई विच खुशियां दे अड्डे ने वाह मौला तू अपनियां कुदरतां दे या सोने नक्शे कटे ने है इको ही वाली अंगूरां दी कुछ मिठे ने कुछ खटे ने हाथ लाया मेले घूमण कई हाथ लाया मेले घूमण कई कई गुंदे तवे तो काले ने कई मारे कोए नसीबां दे कई बहुते ही गर्मा वाले ने ओ किते सोना 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 है किते कन्ना विच ना वाले ने कईयां लस्सी पीण नु मिलदी नहीं कईयां कुत्ते दुधी पाले ने ओ किते अगले डंगली जुड़दी नहीं कई दिन दे फिर दे छटे ने वाह मौला तू अपनिया कुदरतां दे इको बाप दी औलाद ने इको मां दी औलाद है एक महीने दा भी गदार कमांदे ते कर एक एक दिन दे अंदर एक लाख रुपया कमा लेंदे वाह मौला तू अपनिया कुदरतां दे या सोने नक्शे कटे ने अगे ते चेहरे चों चों कर दे ने किते रंगी रंदे उठे ने कई बुढ़ापे विच जवान दे सण कई विच जवानी बुढ़े ने किते हुक्म चलांदे फिरदे ने कई खांदे फिरदे टुटे ने कई तांगे कईयां रक्षे लई कराया नहीं कई चाड़े जगा दी उड़े ने ओ कईयां नाल खुशियां गे लाले ने कईयां ला पुराने सुटे ने वाह मौला तू अपनियां कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कटे ने अल्लाहु अकबर और बड़ी प्यारी गल की दी शायर ने इते जमन ते खुशियां गोरियां ने इते उठ जनाजे जा रहे ने कल मैं गुजरा वाले तू आ रहा सा दोपहर दा वक्त सी तकरीबन कोई दो ढाई बजे दा अज शेखूपुरे दे मुकाम ते इंटरचेंज दे करीब एक शादी वाली बस एक बरात वाली बस ओ जेंद्रो एक मां उतरी है ते एक बेटी उतरी है दोवे रो रहीयां सन ते उची उची कह रहीयां सुणा दी गुफ्तगू तो अंदाजा हो रहा सी बच्ची दा बाप बहुत हो गया ते औरत दा खामद बहुत हो गया बरात जा रही सी रब चावे ते खुशियां दिंदर खमियां पा देवे रब चावे ते खमियां दिंदर खुशियां पा देवे किते जमन ते खुशियां हो रहीयां ने किते उठ जना दे जा रहे ने किते मेहंदियां तेल पे चढ़ दे ने किते मैयत नू नगे ला रहे ने किते गाने सेरे बज दे ने कईयां विच कबरी दफना रहे ने ओए कई कुर्सियां ते चढ़ बैठे ने कई गदे ते चढ़ गए पट्टे ने वाह मौला तू अपनियां कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने सदा दिन इक्को जे नहीं रहिंदे कदी दुख भी आ जांदे ने परेशानियां भी आ जांदियां ने मेरी ओ भैणो अगर कदी परेशानी आए ते नबी पाक दी बेटी फातिमा दे घर नू याद कर लिया करो रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा हज़रत फातिमा कहण लगी अली जी घर दे अंदर आटा कोई नहीं
अगर तेरी परेशान हो गए ने यार केड़ा बाप अपने बच्चियां नु भुखियां रोंदा वेख के बर्दाश्त कर लवे। बाप कहंदा मैं आप वेख जावा पर मेरे बच्चियां दी भुख मुक जाए। ऐ सर्दियां रातां ने मैं वेख्या इस सर्दी दे अंदर चली धुंद दे अंदर बस ड्राइवर ड्राइवरियां करदे फिरदे ने ताकि साढ़े बच्चियां दा पेट पल जाए। कनैक्टर कनैक्टरियां करदे फिरदे ने साढ़े बच्चियां दा पेट पल जाए। जिमीदार सर्दी के अंदर पानी लाते फिरते ने साढ़े बच्चियां दा पेट पल जाए। इस सर्दी की शिद्दत के अंदर ऐ पहरेदार ते चौकीदार पहरेदारी ते चौकीदारी करते फिरते ने साढ़े बच्चियां दा पेट पल जाए। हर बाप अपने बच्चियां दे आंसू नहीं वेख सकता क्योंकि बाप ते औलाद दा रिश्ता ही ऐसा है। अदर ते नी उतो ही वापस मुड़ पे ने एंड बाजार के अंदर निकले ने ते वेख्या बाजार के अंदर डिगया पैक दिनार मिल गए। उठा लिए घर वापस आ गए ने। फातिमा दिनार बाजार दिनों डिगिया मिले आप। हजरत अली हजरत फातिमा कह लगी अली जी जाओ आटा खरीद ले आओ। हजरत अली कही खुदी की दुकान से चले गए ने जाके दिनार दिता है ते आटा कह लगे दे दे। इन्हें आटा थैली के अंदर डाल दिता है ते दिनार हजरत अली नु वापस कर दिता है। कह लगा अली आटा भी ले जा दिनार भी ले जा तू मुहम्मद दा दमाद ने असी तेरी इज्जत करने आ तेरा खया करने आ। हजरत अली वापस आ गए ने आटा कर दिता दिनार हजरत फातिमा नु देन लगे ते सजदा फरमान लगियां जाओ अली जी दिनार ते बच गए एदा गोशत खरीद ले आओ। अल्लाह अकबर लाओ हजरत अली गए ने गोशत खरीद करके ले आए ने। हुण खाना तैयार हो गए खाना खाण ही लगे सन ते हजरत फातिमा फरमांदी अली जी ना आप खाना खाना है ते ना तुहानू खाण देना है ना कसम हुसैन नु खाण देना है। यार गुलाम मैं तकरीबन 50 to 55 मिनट गुफ्तगू कर चुके वहां। इस पूरी गुफ्तगू के अंदर मेरी को गल समय के अंदर ना भी आए ते कोई गल नहीं कम अज कम ना चुमलिया दीवार करना। कितनी देर लगी गएगी आटा लिया कितनी देर लगी गएगी गोशत लिया कितनी देर लगी होगी उन्होंने पका दया ते शहजादे रोंदे पे सन। एक फैसला बाप का ऐ गुलामा बाप का बाजार ते नहीं सी कि इतों निकल के ते उतों जाके समान ले आंदा ऐसी गल नहीं सी। इतनी देर दे बावजूद हजरत फातिमा दे सामने शहजादे रोंदे पे ने कह लगियां ना खाना है ते ना खान देना है वजह ए वे ऐ दिनार बाजार दे अंदरों डिगिया पिया मिलिए। कुरान दा ऐलान है नबी पाक दे अखले बैत दे बारे इन्ना मा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअन्कुम रिज्सा अहले बैति वयुतहिरकुम तत्हीरा। हजरत फातिमा कह लगी अली जी उन्नी देर तक खाना नहीं खाना जिन्नी देर तक इस खाने ते मेरे बाबा मुहम्मद दी मोहर नहीं लग जांदी। अल्लाह अकबर फैसला बादियो इधर वेखे अज मेरे हाथ बन्ने जे साडा कोई इख्तलाफ नहीं असी कहने ओ कोई खाना खाना है जिदे ते सोने नबी दी मोहर लगी है। वमा आताकुम रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फन्तहु वत्तकुल्लाह। जो नबी पाक दे दें देने उन्हों सीने लगा लेने जितो नबी पाक रोक दें देने तो रुक जाना है। हजरत फातिमा दा पैगाम गए मेरे पैगंबर वाल नबी पाक दा शरीफ लेके आए सारा वाकिया सुनाया। आप फरमांदे ने बेटा बिस्मिल्ला पढ़ के खाना खा लो तुहाडे वास्ते खाना जायज़ है। मेरे पैगंबर इंज बैठे ने आप भी खाना खान लगे ने मदीने दे बाजार दे अंदर आवाज़ लगी ओ मदीने वालियो मेरा एक दिनार गुम हो गया है अल्लाह वास्ते किसे नु मिलिया होए ते वापस कर दियो। मेरे पैगंबर फरमांदे ने अली जाओ जिस कसाई नु दिनार दे के आए ओदे कोलो दिनार वापस लेके आओ ओदे नाल वादा करके आई मैं तेरे पैसे वापस कर दवांगा। हजरत अली आए ने दिनार वापस लिए जिदा दिनार गुम होया सी ओदी तली ते रखिए ते कयामत तक आने वाले नबी पाक दे उम्मतियां नु पैगाम दित्ता
ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਘਰ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਸਜਦੇ ਨੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਨਾਲ ਬੈੱਡਾਂ ਨਾਲ ਸੋਫਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਸਜਦੇ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਗਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਬੇਟੀ ਐਸੀ ਬਹਿਣ ਐਸੀ ਬੀਵੀ ਐਸੀ ਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਮਹਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਮਹਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਰਾਦਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਜ਼ੀਮ ਸਕਾਲਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਜ਼ਾਕ ਸਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ਾਹੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਹੱਕ ਰਾਹੀਮਾਹੁੱਲਾ ਖੁਤਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣਾਏ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਤਹੱਦੇ ਨਿਗਾਹ ਫਰਾਖ ਫਰਮਾਏ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਉਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਸਲਾਂ ਮਹਫੂਜ਼ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਹਜ਼ਰਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਫਿਜ਼ਾਹੁੱਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਔਰ ਲੰਬੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਫਰਤ ਦੀਆਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਸਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣ ਹਜ਼ਰਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਹੱਕ ਰਾਹੀਮਹੁੱਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲਾਮਾ ਅਬਦੁਲ ਜ਼ਾਕ ਸਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ਾਹੁੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣੇ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕੇ ਫਿਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਕੋ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਹਦੀਸ ਬੇ ਨਿਹਮਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਿਣ ਅਕਸਰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਡੈਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦੀ ਉਹ ਡੈਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਹੱਜਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਐਸੀ ਔਲਾਦ ਛੋੜ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਣ ਰੱਬ ਇਰਹਮਹੁਮਾ ਕਮਾ ਰੱਬਾ ਯਾਨੀ ਸਗੀਰਾ ਰੱਬਾ ਅਗਫਿਰ ਲਨਾ ਵਾਲੀ ਖਵਾਨੀ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਸਬਕੂਨਾ ਬਿਲ ਈਮਾਨ ਵਲਾ ਤਜਅਲ ਫੀ ਕੁਲੂਬਿਨਾ ਗਿਲਨ ਲਿਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਰੱਬਨਾ ਇਨਕ ਰਊਫੁਰ ਰਹੀਮ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਦੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਦੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬੇਟਿਆਂ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋੜੇ ਬਣਨਗੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਬਾਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਦੀ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਸੱਜੀਦਾ ਖਦੀਜਾ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਦੀਗਰ ਬੇਟੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਗ ਲਾਏ ਸੱਜੀਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਐਸੇ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਸਲ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਾਮਦ ਬੀਵੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਬਣੇ ਔਰ ਬੀਵੀ ਖਾਮਦ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਬਣੇ ਔਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਮਦ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਲਾਦਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ
आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शेख इमरान साहब इन्हों की वालदा मुहतरमा बीमार ने अल्लाह ताला शिफाए कामल आजल अता फरमाए। मियाँ मियाँ साहब भी तशरीफ लाया, मियाँ एफ एस डी इन्ह के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। इस तरह भाई बार बार फरमा रहे हैं अजमत वालिदैन ते कुछ अशार सुना दियो, दो शेर पढ़ के इंशाल्लाह दुआ करने, बिलखसूस दुआ करनी है हजरत डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजे साहब हाफिज़ाहुल्लाह उन्होंने वालदे ग्रामी मौलाना अब्दुल हक अल्लाह ताला उन्हें मगफरत फरमाए। कह दियो आमीन। अल्लाह उन्होंने कबर न जन्नत का बाग बनाए, अल्लाह उन्होंने कबर न तहदे निगाह फराक फरमाए। इसी तरह मौलाना इब्तिसाम इलाही साहब, मौलाना मुतसम इलाही साहब, इन्हां दे वालदे ग्रामी डॉक्टर मुहम्मद हनीफ साहब, मेरे बड़े प्यारे भाई मोहतरम भाई मुहम्मद यासर भट्ट साहब, इन्हां दी वालदा मोहतरमा, अल्लाह सब दी कबर ते अपनियां रहमतां बरकतां दा नजूल फरमाए। इसे तरह भाई मुतसम इलाही भाई इब्तिसाम इलाही इन्हां दी छोटी हमशीरा उन्हां वास्ते दुआ करो, अल्लाह ताला नेक साले नूरीना औलाद अता फरमाए। बस दो तीन शेर इंशाल्लाह फिर दुआ करने हैं। बड़ा से को हुंदा जे विछोड़िया दी आगे दा, बड़ा सिख हुंदा जे विछोड़िया दी आगे दा, मापे टुर जानते फिर पता लगेदा, फिर पता लगेदा। बड़ा सिख हुंदा जे विछोड़िया दी आगे दा, मापे टुर जानते फिर पता लगेदा, फिर पता लगेदा। किवें मैं हिसाब लिखा कोई भी हिसाब नहीं, मापियां दे मिठड़े बोलन दा जवाब नहीं। किवें मैं हिसाब लिखा कोई भी हिसाब नहीं, मापियां दे मिठड़े बोलन दा जवाब नहीं। प्यार भावे कट्ठा करे तू सारे जग दा, मापे टुर जानते फिर पता लगेदा, फिर पता लगेदा। और बाप टुर जावे ते मार दी जुदाई है, बाप टुर जावे ते मार दी जुदाई है। पुछियो दे कोलों जी दी टुर गई माई है, दुख खून चूस लेंदा, दुख खून चूस लेंदा। यारो रग रग दा, मापे टुर जानते फिर पता लगेदा, फिर पता लगेदा। और प्यार वाला नगीमा होंठां ते सजाई रख, मापियां दे अगे तू नजरां झुकाई रख। शिमला ज चाने उच्चा, शिमला ज चाने उच्चा, अपनी तू पगदा, मापे टुर जानते फिर पता लगेदा, फिर पता लगेदा। आ उम्र दराजी दा तैनू राज मैं दस जावा, मां बाप नू राजी रखे, वद जावन तेरिया सावा। आ उम्र दराजी दा, और किन्ना सोना वेड़ा है जिथे मां बाप दा डेरा है, किन्ना सोना वेड़ा है जिथे मां बाप दा डेरा है। उस वेड़े दे अंदर, उस वेड़े दे अंदर सदा रहंदियां गूड़ियां चावा। आ उम्र दराजी दा ते एक बात भुलावी ना,
कदी मां रुवावी ना एक बात भुलावी ना कदी मां रुवावी ना जे बाप दुआ कर दे जे बाप दुआ कर दे टल चावण तेरिया बलावा आ उम्र दराजीदार बिरहम हुमा कमा रब्बा या ना सगीरा अल्लाह साडा मिल बैठना कबूल फरमाए इंशाअल्लाह 26 मीरा अच्छा 26वीं रात दा इंशाअल्लाह प्रोग्राम मैं भी हाजिर होवांगा मौलाना इनामुल्लाह उस्मानी साहब दीगर उलमाए इकराम भी खिताबात फरमाएंगे मैं बार बार भाई इब्तिसाम इलाही साहब फरमा रहे सन व्हाट्सएप का भी हुक्म है दूसरी जरूरी बात फजीलत शेख उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल मनान रासिक साहब हाफिज़हुल्लाह दुआ करो अल्लाह ताला शेख साहब की हिफाजत फरमाए वो कह दो आमीन अल्लाह उन्होंने सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए माशाल्लाह 3-4 मुल्कों के दौरे ते गए ने अल्लाह उन्हां दी इस कोशिश नू इस सफर नू अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए उन्हां दा खसूसी हुक्म सी पहले इब्तिसाम भाई ने राबता किया फिर व्हाट्सएप ने कॉल की फिर उन्हां दा हुक्म आ गया तुसीं इस जलसे ते जरूर जाना है मेरा अज दा इश्तिहार कसूर छपिया सी मैं उन्हां कोल माजरत की तो उन्होंने होर डेट दिती तो तुहाडे कोल हाजिर होया अल्लाह हाजरी कबूल व मंजूर फरमाए तो एक बड़ा वड्डा हुक्म जिम्मे लग गया है ये हुण तुसी पूरा करना इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत दे नाल ए मस्जिद का जिहड़ा रस्ता है ना ये साफ नहीं तो नमाजी आते ने तो सारे साथी मुहब्बत नाल प्यार नाल और इस नेकी दे अंदर ए रस्ते की सफाई बहुत बड़ी नेकी है नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम की बड़ी मशहूर हदीस है एक बंदा ना रस्ते तो गुजर रहा सी ते एक टाणी रुकावट बनती सी उन्हें ना कट के सैड ते कर दी तो अल्लाह ताला कयामत वाले दिन इस नेकी की वजह करके उन्होंने जन्नत विच भेज छड़ेगा इतना बड़ा अजर है तो मस्जिद का रस्ता सारे साथी जिनी तौफीक 1,000 रुपया 2,000 5,000 रुपए इस मस्जिद के रस्ते की सफाई वास्ते और दुरुस्तगी वास्ते तावन करो अल्लाह ताला तुहानू जज़ा खैर अता फरमाए उठो भाई सारे साथी तावन करो 5 फरवरी बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे तो लैके मगरब तक खवातीन का इजतमा हो रहा जिस दे अंदर मुल्क भर दियाँ नामवर मुबल्लिगात खिताबात फरमाएंगियां मामा बहना वास्ते प्रोग्राम का इहतमाम किया गया है सारिया मामा बहना 5 फरवरी बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे तो लैके मगरब तक ये प्रोग्राम होएगा मामा बहना वा ये अंदर शिरकत करके अपने कुलूब अजहान कुरान सुन्नत की रोशनी मुनव्वर फरमान उठो माशाल्लाह नेकी दा काम है यार अल्लाह ताला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए इस कार खैर दे अंदर मैं भी थोड़ा जहा हिसाब पा देना सारे साथी उठो जिनी अल्लाह ने तौफीक दी है अल्लाह ताला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए तुहाडे रिज़क दे अंदर माल दे अंदर जान दे अंदर अच्छा अच्छा चलो ए मेरी तरफ 1,000 रुपए उठो भी साथी जिन्ना भी तावन बाकी मस्जिद के खाते अंदर खवातीन दे अगे भी अपील है इस कार खैर दे अंदर हिस्सा डाल के जाना और अपन बच्चियां इस अदारे के अंदर दाखिल कराओ अल्लाह ताला तुहानू जय खैर अता बड़े ढिले जे यार वो दसा की तौफीक है 10 वास्ते ही उठ पो अल्लाह तुहानू जय खैर दे माशाल्लाह नोट कर लो जी इब्तिसाम साहब माशाल्लाह आज साढ़े भाई ज़ुल्फ़िकार साहब अल्लाह इन्हां दे रिज़क माल जान दे अंदर बरकत अता फरमा उठ पो माशाल्लाह जिनी दसा की भी तौफीक है तो हिस्सा जरूर डालो अल्लाह जय खैर अता फरमाए अच्छा चलो इन्हां वास्ते दुआ करो अल्लाह ताला दे रिज़क दी बरकत फरमाए अल्लाह इन्हां नूं जज़ाए खैर अता फरमाए अल्लाह इन्हां ते अपनियां खास रहमतां बरकतां दा नज़ूल फरमाए जिन्हां भाइयां अज दे प्रोग्राम वास्ते तावन फरमाया अल्लाह बरकत अता फरमाए अल्लाह ताला जिन अहबाब ने सरप्रस्ती फरमाई उन्हां दे रिज़क माल जान दे अंदर बरकत अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأنت الوجوه للحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث या अल्लाह पाक साढ़े छोटे बड़े सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा या अल्लाह पाक साढ़िया गलतियां कोताहियां तो दरगुजर फरमा मेरे अल्लाह साढ़े बीमारा नु शिफा अता फरमा
अल्लाह पाक जिते कितने अस्पतालों के अंदर घरों के अंदर रूहानी जिस्मानी बीमार ने परवरदिगारे आलम सब नु शिफाए कामिल अजल अता फरमा। या अल्लाह पाक दुनिया के दवाखाने बड़े ने शिफा खाने पर कब्जा सिर्फ और सिर्फ तेरा ही है। या अल्लाह जिन्हें तेरे बंदे बंदियां बीमार ने अपनी रहमत ने शिफाए कामिल अजल अता फरमा। या अल्लाह साढ़े फौजशुद खान की मगफरत फरमा। मेरे समय या अल्लाह पाक जिन्हों के वालिदैन फौत हो गया उन्होंने कब्र जन्नत के बाग बड़ा प्रोफेसर अलामा अब्दुल रज़ाक साजे साहब हाफिज़ाहुल्ला। या अल्लाह उन्होंने वालदे ग्रामी मौलाना अब्दुल हक साहब अल्लाह उन्होंने कबर न जन्नत का बाग बना। या अल्लाह करवट करवट जन्नत और फिरदौस दे अंदर अल्लाह मुकाम अता फरमा। मेरे अल्लाह उन्होंने कबर न हद्दे निगाह फराख फरमा। इसी तरह डॉक्टर मुहम्मद हनीफ साहब अल्लाह उन्होंने कबर न जन्नत का बाग बना। बच्चिया नवासते सदका जारिया बना। भाई भट्ट साहब इन्हों की वालदा मोहतरमाला उन्होंने कबर न जन्नत का बाग बना। इस मस्जिद के जितने नमाजी फौत हो गए या अल्लाह सब की बख्शिश फरमा। या अल्लाह जिन्हें तेरे बंदे बंदियां तेरे सामने हाथ फैला के बैठे ने इन्हों दिनों किसी का कोई भी प्यारा फौत हो गया सब की बख्शिश फरमा। सब दियाँ कबरों को तहद निगाह फराक फरमा। या अल्लाह इतनी सर्दी के बावजूद तेरे बंदे बड़ी मुहब्बत नाल तशरीफ फरमा ने। या अल्लाह जिन्हें अज इतें तेरे घर के अंदर बैठे ने या अल्लाह इवें कट्ठिया ही नबी पाक के हौजे कौसर से कट्ठिया फरमा। आप दे हथों हौजे कौसर नसीब फरमा। या अल्लाह इन्हों सारों जल्दी जल्दी अपने घर बैतुल्ला दा जुमरा नसीब फरमा। मदीना पाक मस्जिद नबी रियाजुल जन्ना दे नवाफल नसीब फरमा। या अल्लाह जिन उलमाए कराम ने खिताब किए जिन अहबाब ने समात किए अल्लाह सब की हाजरी अपनी बारगाह दे अंदर शरफे कबूलीयत दे नाल नवाज लै। अल्लाह साडा मिल बैठना कबूलो मंजूर फरमा। जिन्हें साथियों तामन फरमाया मेरे अल्लाह कारोबार मालो जान इज्जत शरफ दे अंदर इजाफा फरमा। जिन्हें भाइयों मेजबानी फरमाई कारोबार दे अंदर बरकतां अता फरमा। या अल्लाह जिस बहन को ले औलाद कोई नहीं अल्लाह नेक साले नूरीना औलाद अता फरमा। अल्लाह सोनिया तू सुकियां टहणियां नूं भी हरिया कर छड़ना है तेरे अगे कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह वे औलादां नूं नेक साले नूरीना औलाद अता फरमा। शाह जिन्हां नूं औलादां अता कीतियां मां बाप की अखां की ठंडक बना। या अल्लाह जिन्हां नूं औलादां अता कीतियां मां बाप की अखां की ठंडक बना। इस मस्जिद नूं रहिंदी दुनिया तक आबाद फरमा। या अल्लाह इस अदारे नूं रहिंदी दुनिया तक आबाद फरमा। जिहड़े अहबाब इस अदारे की सरपरस्ती कर रहे हैं या अल्लाह उन्हां दीआं जिंदगीआं च बरकतां फरमा। कारोबार दे अंदर बरकतां अता फरमा। या अल्लाह मैं तालिब इलम ने जो सबक सुनाया और दीगर उलमाए किराम ने जो खिताबात कीते जो अच्छा होया तेरी रहमत नाल होया जो कमी कुताई हुई साड़ी तरफ हुई या अल्लाह हाजरी कबूलो मंजूर फरमा के साढ़े सारे वास्ते हदायत और नजात का सबब बना। या अल्लाह जिंदगी शान वाली मौत ईमान वाली नसीब फरमा। खात्मा बिल खैर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।